है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आजिम्स ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज 29th ऑफ मार्च है, होली है आज। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। देखो, अर्ली मॉर्निंग मैंने अपने शॉप्स ओपन कर लिए हैं। सुबह के 7 बजे ओपन कर लिया था, अभी आई थिंक 8 बज गए हैं। और मैं इधर का नज़ारा देखूं तो पीछे ये मेरी बुलेट खड़ी है, और ये पीछे खेत जो है, खेत में काम चल रहा है। इधर गेहूं के खेत, इधर केला लगा हुआ है, और आगे जो है ना साग उखाड़ा जा रहा है। चलो वहाँ दिखाता हूँ। इसको पटुआ बोलते हैं, जूट जिससे निकलता है ना, वो जब छोटा छोटा होता है तो उसका साग भी खाया जाता है। छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ, जिसमें वाइट वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं, इसको हम लोग धुनफी बोलते हैं। और इसमें जो वाइट वाइट फूल है, इसको मतलब इसमें बहुत मीठा मीठा सा रस होता है। जो मधुमक्खियाँ होती है या बिरनी होती है, वो इसका रस चूसती है। बहुत मीठा होता है ये। Setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling. पीछे देखो ये लोग साग उखाड़ रहे हैं। ये सारा साग है, पटवा साग, और इसको उखाड़ करके एक एक ऐसे करके एक बंच मुट्ठी बना करके फिर ये लोग रख रहे हैं। कल कुछ बच्चे ये लोग इस वाले बोरिंग में, ये देखो ये पीछे बोरिंग है, तो यहाँ मशीन चल रहा था, इसे पानी निकल रहा था, बच्चे नहा रहे थे, उसी में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसमें ला ला करके ये डाल रहे हैं ताकि ये सूखे नहीं। चलो, ये छोटा सा खेत था, ये दिखाया मैंने आपको। आगे देखो, आगे जाने के बाद ना मुझे बैंगन के कुछ मतलब यहाँ जो है ना सब्जियाँ ही ज़्यादा उगाई जाती हैं इस साइड में, इस वाले खेत में, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा है, पानी नहीं जमता है। क्योंकि दूसरे खेत में क्या होता है कि पानी वानी जम जाता है तो फिर सब्जियाँ वगैरह थोड़ा सा मुश्किल होता है। चिकन नहीं, उसके साथ साथ बंधा गोभी, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है। जी, किसानों का काम कुछ ऐसा होता है कि यहाँ छुट्टी वट्टी नहीं होती है। जब भी देखो तो फिर हमेशा छुट्टी है, वरना फिर खेत में लगे रहना पड़ता है। ये देखो पीछे अभी तक ये लोग उखाड़ ही रहे हैं। एक्चुअली है कि यहाँ मंडे एंड थर्सडे को जो हमारा लोकल मार्केट है, हटिया जिसको बोलते हैं, बाई वीकली लगता है, हफ्ते में 2 दिन, तो वहाँ ले जाने की तैयारी है। ये सारा साग जो उखाड़ रहे हैं, ये इसको वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ बेचेंगे। अच्छी चीज़ ये है विलेज में कि जैसे अभी उसको उखाड़ा जा रहा है और ये शाम तक ये बिक जाएगा, तो जितने लोग भी इसको परचेज़ करेंगे वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाते हैं। अच्छी चीज़ ये है। शहरों में क्या होता है कि लगभग 1 दिन 2 दिन पुराना तो होता ही है। जैसे कल उखाड़ा गया तो फिर उसको आज खाएंगे या फिर कल खाएंगे, ऐसे ऐसे करके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लोग ताज़ा ताज़ा खाना खाते हैं। चलो, छोटा सा था, कुछ खेत वेत दिखाया। ये पीछे देखो नज़ारे, वो सारा पीछे जो देख रहे हो ना, वो बांस, उसके बगल वाला जो लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि वो जो बांस कटा था, इसके पीछे ये मेरे अंकल का है,
उसके पीछे वाला जो एरिया था वो हमारा था, जिसका कि बांस अब काट दिया गया है। और इधर का भी जो बांस है ये देखो, यहाँ बांस की खेती पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब चूंकि बांस का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, तो जिसके वजह से अब लोग उतना ज़्यादा बांस अब लगा नहीं रहे हैं, अब काट काट दे रहे हैं। चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग बस बहुत छोटा सा था, मैंने दिखाया ये छोटी मोटी चीज़ें जो भी हो पाई। अगर आप, हाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर ऐसी ही चीज़ें देखना चाहते हो, खेत खलिहान हरियाली देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पर बने रहो, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। लाइक करो इस वीडियोस को अगर पसंद आया तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ की मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कंटिन्यूसली। चलो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।